चेताल हूं, ये सारा साम्राज्य मेरा है। मैं ही दुनिया को पाप में लेकर जाता हूं, मैं लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करता हूं, चोरी चुगली गुस्सा झूठ फूट करना व्यभिचार ये सब मेरी ही हथियार है। मुझे में कोई भी बच नहीं सकता, उससे कोई भी बच नहीं सकता। मैं लोगों में बुरे काम करवाता हूँ, मैं परिवारों को अलग थलग कर देता हूँ, मैं लोगों को अपने जाल में फंसा लूंगा। और कोई भी इसमें से निकल नहीं सकता। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं इन सबको पाप में डाल कर अपनी नरक की तेरा बनाऊंगा। मैं पाप का साम्राज्य बनाऊंगा, ये मेरा साम्राज्य है। Thank you.
ये तो एक पहलवान है, इसके पास तो बहुत ताकत है, लेकिन ये भी फंस गया, ये भी एक आदमी को चेयर से नहीं उठा सका। सच, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे हम कितने ताकतवर भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब तक हम पर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना बल से, ना शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हम चाहे जितना मर्जी जोर लगाएं, लेकिन कभी भी किसी भी चीज में जब तक हम पर परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती, हम उससे छूट नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। सब समस्या की जड़ रुपया है। रुपये के लोग सब प्रकार के झगड़े करवाते हैं, लेकिन चाहे हमारे पास जितना भी धन है, कुछ भी हम उसे ले सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर की सामर्थ ना हो, परमेश्वर का वचन ना हो, तो हम पर पैसे से भी कुछ भी खरीद नहीं सकते, ना आराम, ना शांति, ना दुख तकलीफ से आजादी। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आजाद करता है। जब किसी के लिए इसने तो इतना लॉ पढ़ा हुआ है कि ये किसी को भी छुड़ा सकता है।
फिर ये खुद ऐसे पांव में कैसे फंस सकता है? इसके पास तो इतनी नॉलेज है, ये तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाता है, हमें अच्छे सामर्थ्य देता है, तभी हम उसकी सामर्थ से कुछ कर सकते हैं। जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, जब हम किसी केस में फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़े के कर्जे में, जब कुछ भी ऐसा केस होता तो हम वकील के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे लिए वो मुकदमा लड़ो। दुख तकलीफ में होते हैं कई बार हम, ये होता है कि हाँ वो हमारी दलीलें जज के सामने पेश करता है और हम छूट जाते हैं। लेकिन अगर आपका परमेश्वर पर भी विश्वास है, तब हम तभी जीते हैं जब हमारा परमेश्वर पर विश्वास होता है और हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस वकील को भी हमारे लिए खड़ा कर देता है। इसलिए अगर आप दुख तकलीफ परेशानी में हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, उठ मेरे न्याय के लिए जा, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय कर और उन्हें मेरे विरुद्ध जो भी कोई योजना प्लान मेरे खिलाफ करके मेरे को किसी भी परेशानी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर, तो उसे उनमें से मुझे निकाल, उनमें से छुड़ा, अपने स्वर्ग दूतों को भेज। तो सचमुच अगर आप ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसी स्थिति में फंसने ही नहीं देता कि जिससे आपको अपना मुकदमा किसी वकील जज के सामने हो। आप अपने आप को राज्य के राजा, प्रभु के प्रभु, जो आज जिंदा होता है हमारे लिए, उसके सामने ये प्रार्थना करें तो सचमुच परमेश्वर आपकी कोई भी समस्या ऐसी जिसमें आपको वो फंसने देगा। लेकिन ये भी खुद इसमें फंस गया। सच
क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि रोमियो 14:11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन का सुगंध के हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा 17:11 में बोल लिख चुका है कि मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। सचमुच यहोवा परमेश्वर है, उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हर दुख परेशानी से आजाद कर सकता है। उसके अलावा चाहे हम कुछ भी करें, किसी के पास भी जाएं, हमारी दुख परेशानी किसी का भी इलाज किसी के पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं और मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं परमेश्वर। आज दुनिया में शैतान ने अपना साम्राज्य इतना फैला दिया है कि वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता परमेश्वर, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर, हमें तेरा वचन हमें बताता है परमेश्वर कि सचमुच तू हमें जश्न में जी सके, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है मैं खुद ही उन मूर्तों को ना दूंगा। हे परमेश्वर, सचमुच आज लोग इतने दुखी इतने परेशान है परमेश्वर कि वो पाप में फंसते जा रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सचमुच तू हमें छुड़ा लेता है परमेश्वर, ये जो लोग पाप में फंसे हुए हैं परमेश्वर, मैं तेरे आगे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि तू अपनी सामर्थ्य दे और इन्हें छुड़ा। सचमुच परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूतों को कह कि वो अभी आए और इन्हें इन हर पाप से मुक्ति दिलाए। सचमुच परमेश्वर करेंगे वो सब कुछ
हो जाएगा। जैसे ही ये लोग किसी भी पाप में फंसे थे, इन्हें छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमें पापों से छुड़ाता है, वो हमारा उद्धार करता है। तो इसीलिए तो हमें ये कहते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। अपने अपने दर